नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। हरियाणा सरकार ने एजीएल मामले में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद यह केस सीबीआई को सौंपा जा सकता है। निचल हरार अखबार के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल को पंचकुला में प्लॉट रीअलॉटमेंट मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने प्रदेश सरकार से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में हरियाणा सरकार ने स्टेट विजिलेंस की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही सीबीआई को जांच सौंपे जाने को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। बढ़ सकती है पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें। एजेएल मामले की भी सीबीआई जांच की तैयारी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने की सिफारिश। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौरान सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन सौदों पर अनियमितताओं के कई आरोप लगे हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में हुड्डा और उनके करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई के छापों के बाद एक और मामले में हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार के स्वामित्व वाली एजेएल कंपनी को पंचकुला में प्लॉट रीअलॉटमेंट करने के मामले में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। विजिलेंस ब्यूरो मई 2016 में दर्ज इस मामले में जाँच कर रहा है। एजेएल को प्लॉट रीअलॉटमेंट का मामला, विजिलेंस ब्यूरो ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। मई 2016 से विजिलेंस ब्यूरो कर रहा है जांच। सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट आने के बाद सरकार ले सकती है सीबीआई जांच पर फैसला। एजेएल कंपनी को प्लॉट दिए जाने से जुड़ा है मामला। 2005 में एजेएल को किया गया था प्लॉट का रीअलॉटमेंट। एजेएल को प्लॉट आवंटित किए जाने के मामले को लेकर इनेलो भी लगातार जांच की मांग कर रही है और सरकार ने इस मामले में मई में मामला दर्ज कर जांच शुरू करवाई थी। ऐसे में अब इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी जा सकती है, तो ये हुड्डा के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि मानेसर जमीन घोटाला और पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार का क्या रुख रहता है और क्या हुड्डा के खिलाफ इस मामले में भी सीबीआई जांच कराई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। कुछ दिन पहले सीबीआई का छापा पड़ा था, 20 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने छापा मारा था और अब एक नई जांच की तैयारी यहां पर चल रही है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। हमारे साथ विकास चौधरी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रवीण अत्रे साहब जुड़ चुके हैं, आप इनेलो प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान का। वीरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक के बाद एक जांचें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले छापा भी पड़ा था, कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ते आपको दिखाई पड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री? देखिए, पूर्व की सरकार और उसके मुखिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की दूसरी पार्टियां चुनाव से पहले उनकी सरकार जो उस समय की थी, उस समय वो जो गड़बड़ झाले कर रहे थे, जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे, प्रतिपक्ष में रहते हुए भी हम भी और दूसरी प्रतिपक्षी पार्टियां भी उनके खिलाफ लगातार कह रहे थे कि वो गड़बड़े कर रहे हैं, चीजें को ठीक नहीं कर रहे हैं, मनमानियां कर रहे हैं। जब हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से ये हमारा दायित्व बनता था कि जो हम आरोप लगाते थे उन आरोपों की जांच हो और जांच करके अगर उन्होंने उनके खिलाफ प्रमाण है तो उनको दंडित किया जाए। वो केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, उनके साथ और भी उनके जो सहयोगी उनके गलत कामों में रहे हों उनको दंडित होना चाहिए। जब हम आरोप लगाते थे, चाहे सरकार में आने से पहले की बात हो चाहे सरकार में आने की बात हो, तो कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जाता था, साहब जांच करा लीजिए, हम साफ साफ हैं, हम जांच से डरते नहीं हैं। तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती थी,
जांच की प्रक्रिया नई सरकार बनने के बाद वो शुरू हुई, इसके बाद एक मामलों में जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और तथ्य भी सामने आ रहे हैं, प्रमाण भी सामने आ रहे हैं, अनियमितताओं के सबूत कहीं ना कहीं सतह पर आते दिखाई देते हैं। जब ये प्रमाण सामने आ रहे हैं तो आप एक और प्रक्रिया देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस के नेता कल तक कहते थे जांच करा लीजिए, हम पास हैं, हम साफ हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने नियम नहीं तोड़ा, अब वो जांच पर सवाल उठाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जांच की आज उन तक पहुंच रही है। तो कुल मिलाकर के जिसने भी गड़बड़ की होगी, चाहे वो उस समय के मुख्यमंत्री हो या उनके कोई सहयोगी हो या उनसे भी बड़ा कोई हो जिसके कहने पर उन्होंने गड़बड़ की हो, गड़बड़ करने वाले, हरियाणा की जनता को नुकसान पहुंचाने वाले, नियमों को तोड़ने वाले कोई भी क्यों ना हो, वो कितने ही छोटे या बड़े शख्स क्यों ना हो, उनसे हिसाब लेना इस सरकार का दायित्व है और सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हाँ, ये समय बताएगा कि उनके खिलाफ किस तरह से कितने पुख्ता प्रमाण आते हैं और इस देश की अदालतें उनको क्या दंड देती हैं, ये कहना ना हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है और ना ही इसमें जल्दबाजी करनी चाहिए। अभी जांच चल रही है, जांच में प्रमाण आएंगे, प्रमाण के आधार पर अदालतें फैसला करेंगी, वो निर्णय हम और आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन वायदों के साथ चुनाव जीत कर आए थे वो वायदे पूरे किए जा रहे हैं, जो अनियमितताएं बरती गई थी उसकी जांच कराई जा रही है। प्रवीण रथी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि एजीएल मामला कितनी बड़ी फांस साबित हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए? तैयारी कर रही है सरकार एक बार फिर से सीबीआई को जांच सौंपने की? प्रवीण जी देखिए, शरद, सत्ता के दुरुपयोग का ये एक और मामला है। आपको याद होगा अभी दो दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे मानेसर वाले मामले में, उस वक्त भी मैंने बताया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है प्रदेश में, वो प्रदेश के इतिहास का एक काला अध्याय रहा है। जिस तरह से जमीनों की लूट हुई, जिस तरह से सीएलयूज के लिए रिश्वतखोरी हुई, जिस तरह से प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया, उसका एक उदाहरण ये एसोसिएट जनरल लिमिटेड को जो रीअलॉट किया गया है 3500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, ये भी उसमें से एक है। हमने इसके बारे में बार बार आवाज उठाई। 2014 में महामहिम को चार्जशीट दी, सदन के अंदर चार्जशीट रखी, राष्ट्रपति महोदय से को चार्जशीट दी और हमने जांच की लगातार हम मांग करते रहे। देखिए, नियमों को किस तरह से धत्ता बताया गया है। शरद, 1982 के अंदर एसोसिएट जनरल को 30 अगस्त को हुड्डा पंचकुला के अंदर एक 3500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देता है, अलॉट होता है, और जिसमें शर्त है कि 2 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। नियमों की धजिया उड़ाते हुए 10 साल तक उस पर किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती और जो हुड्डा डिपार्टमेंट है वो नियमों की अवहेलना की वजह से प्लॉट को रिज्यूम कर लेता है। उसके लिए अपील डाली जाती है 1996 में, जो अपील रिजेक्ट कर दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही वो इसके रीअलॉटमेंट के लिए एक नई फाइल शुरू कर देते हैं। वैसे भी मुझे लगता है सरकारी कामों के अंदर शायद ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें फाइल ऊपर से नीचे चली है। आमतौर पे काम की प्रक्रिया ये होती है कि नीचे से ऊपर की तरफ फाइल चलती है, लेकिन यहां पे हुड्डा साहब खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस रीअलॉटमेंट के लिए ऊपर से एक नई फाइल चलाते हैं। इसके बावजूद जब सरकार का लॉ डिपार्टमेंट, मेरे पास कॉपी है उस लॉ डिपार्टमेंट की, शरद, में दिखा रहा हूं, जब लॉ डिपार्टमेंट ये बाकायदा लिखता है कि इस तरह का कोई नियम नहीं है, कोई प्लॉट इस तरह से रीअलॉट नहीं हो सकता, केवल फ्रेश अलॉटमेंट हो सकती है, उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, आकाओं को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एजेएल है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी कंपनी है, क्योंकि दोनों का 38% शेयर इस कंपनी के अंदर है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश के एक प्लॉट को, प्रदेश के संसाधनों को लूटा गया और सरकार, प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया इस रीअलॉटमेंट के जरिए। और ये एक, देखिए, ये केवल एक मामला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमने जांच के लिए या चार्जशीट में हुड्डा साहब के टेन्योर के अंदर जितने घोटाले हुए हैं, उसमें मानेसर का घोटाला, उसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड मामला, उसके अंदर सोनीपत लैंड घोटाला, अंबाला लैंड घोटाला,
एजेएल का जिसपे आज हम चर्चा कर रहे हैं, पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसके ऊपर हमने पहले भी कहा था और सरकार ने उसके ऊपर भी जांच बिठाई, तो ये ऐसे इतने घोटाले हैं कि हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर लगभग 75,000 एकड़ लैंड एक्वायर किया, सीवीएल यूज इशू किए, जिसमें से 17,000 एकड़ इन्होंने रिलीज कर दिया अपने बिल्डर मित्रों के फेवर के अंदर। और यहां तो कमाल ही कर दिया, सरकारी विभाग सरकारी अधिकारी टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब नियमों में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि आप रीअलॉट कर सकते हैं, उसके बावजूद हुड्डा साहब ने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने अकाउंट को खुश करने के लिए ये 3500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट जो है एजेएल को दे दिया। बिल्कुल, तो ये पूरी कहानी सुनी होगी आप तमाम लोगों ने सुनी कि किस तरह अनियमितताएं बरती गई और अब सरकार तैयारी कर रही है कि सीबीआई को जांच दे दी जाए। विकास जी, अब आपकी बारी है। जिस तरह से सरकार ने फिर से फैसला कर लिया है लगभग और कुछ दिनों में हो सकता है ये जांच दे दी जाए, सौंप दी जाए सीबीआई को, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी अपना एक पार्टी का स्टैंड रखा है आपके माध्यम से कि हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि हम हर तरह की जांच करने के लिए तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, जनसभाओं में हर जगह कहा कि कोई भी जांच करा ले हम तैयार हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इन जांचों में निकल क्या रहा है? आप देखिए, 3.5 महीने के अंदर 2 बार सीबीआई के छापे लग लिए, निकला क्या? कुछ भी नहीं। ना सरकार ने कुछ बताती है कि इन छापों में क्या निकल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नया सीबीआई का मामला ये कह रहे हैं कि विजिलेंस ने जो दी है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। असल में फरीदाबाद वो फरवरी में जो आरक्षण आंदोलन हुआ था, उसकी जो जांच के लिए प्रकाश सिंह कमेटी की जो बनाई गई थी, उसकी जो रिपोर्ट है, जब उस रिपोर्ट के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री जी के अफसरों पर जब सवाल उठने लगे तो ये बौखला गए। अब इनके पास पैतरा क्या था, कैसे अपनी छवि को साफ करें, जनता सब देख रही है। प्रकाश सिंह जी ने टीवी पर इंटरव्यू दे दिया कि मुझे दबाने के लिए मुझसे ऐसे कुछ काम कराए जा रहे थे जो मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं आगे उसको रिपोर्ट की आगे जांच नहीं कर रहा। इससे साफ सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि सरकार ने कहीं ना कहीं दंगों में सरकार का हाथ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये तो आगे जांच से और पता लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब इस तरह की छवि इनकी निकल के आई, अचानक ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पर इन्होंने सीबीआई का छापा लगा दिया। शरण जी, मैं अभी बोलने बोलने दीजिए, बड़े भाई जी, वीरेन जी, वीरेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं सबकी बात सुनकर इनकी बात सुनते हैं, फिर आपके पास आता हूं। छापा लगा दिया सीबीआई का, अरे 3.5 महीने पहले आपने सीबीआई का छापा निकाला, उसमें क्या निकल के आया कि एक बार बताइए ना। आपके हर मंत्री छोटी छोटी सी बातों पर ट्वीट करते हैं, जरा उस पर बताते कि क्या नियमितता निकल के आई। उसके बाद अब दोबारा इन्होंने छापा लगा दिया, कुछ नहीं निकल के आया। हमारे इनेलो के साथी कह रहे हैं कि ये जांच करी जाए, वो जांच करी जाए। इनका काम तो सिर्फ इनकी खुद की पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ये चाहते हैं कि हमाम में हम तो हैं ही खराब, इनको भी खराब कर दिया जाए। ये बात कर रहे हैं कि इतने घोटाले कर दिए। अरे आपके आपके माननीय नेताजी ने तो ये भी कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 3 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए, तबकि अगले दिन ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी कि वो अपने घर पे बैठे हैं, दिल्ली की कोठी में बैठ के मट्ठी खा रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, दैनिक ट्रिब्यून के अखबार में आ रही है। तो ये तो बरगलाने की बातें कर रहे हैं कि हुड्डा जी अंडरग्राउंड हो गए, कोई जांच से नहीं भाग रहा। जब सीबीआई की जांच हुई तो पूरी तरह से जांच में सहयोग किया गया और हम आगे भी जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जांच वांच का सिर्फ ड्रामा है, असल में तो जो कांग्रेस की लोकप्रियता रोज दिन ब दिन बढ़ रही है, सड़कों पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, फसल बीमा की योजना की कोई बात हो चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, उसी तरह विधानसभा की जब बात आती है तो विधानसभा में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक सरकार की मुखालफत करते हैं, भले वह बन्नू सिंह पे की वहां पर जो खान माफिया का जो रोल चल रहा है उसकी जांच की बात हो या और कोई मुद्दे हो, इन सब मुद्दों पे सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है जो जनता की आवाज को विपक्ष के तौर पे निभा रही है। इसी कारण इनेलो और भाजपा दोनों बुखलाए हुए और हम पे आरोप लगा रहे हैं। चलिए, कांग्रेस का कहना है कि आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि काम नहीं हो रहा और उनसे बचने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए प्रवीण जी, मैं आपके पास आऊंगा, वीरेन जी मैं आपके पास भी आऊंगा, बस छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का जवाब हम इनेलो और कांग्रेस से लेंगे, बस छोटे से ब्रेक का है।